Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all fine. Students, now we are going to do our maths. So hurry up on your books and page number 13. ठीक है, इसमें आज प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं. कल जो हमने सीखा था फोर डिजिट्स और फाइव डिजिट्स को कैसे लिखते हैं, तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. जिसको सर्कल किया होगा हम उसमें उतने बीट्स ड्रॉ करेंगे. देखिए, लुक एट द फॉलोइंग फोर डिजिट नंबर्स. वन ऑफ द डिजिट हैज़ बीन सर्कल्ड. राइट इट्स वैल्यू एंड ड्रॉ बीट्स ऑन द एब्सेक्स टू शो द वैल्यू. जैसे ये देखें 4,602 है, तो 1, 10, 6 कौन से आई में आएगा, 100, तो हम 100 में 6 बीट ड्रॉ कर देंगे. नेक्स्ट आपने खुद से करना, ये देखो 1, 10s ये बना 100 और ये क्या बनेगा 8,000 बनेगा 9 वाला. तो हम कितने 9 में ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. हम 9 बीट इसमें ड्रॉ करेंगे और साथ यहाँ पे लिखेंगे 9,000s. क्लियर. नेक्स्ट में देखें 2 आ रहा है, 1 और 10s. 2 क्या, 10s कितने 2 हमने ड्रा करने हैं. इसमें हम 2 10s में बीट्स ड्रा करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 2 10s. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा. ये आपने खुद से अब करना है, आपने यहाँ से करना है 1, 10, 100, 1000, 10,000. तो 9 क्या बन रहा है, जिसमें एब्सेक्स में आएगा आपने उतने बीट्स ड्रा करने हैं और यहाँ उसकी वैल्यू भी लिखनी है. आई होप ये आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट देखें, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स. वही सेम है, यहाँ पे क्या किया था, हमने बीट्स भी ड्रॉ किए थे, यहाँ हमने बीट्स नहीं ड्रॉ करने. तो 1, 10s, 100 and 1000. 9 क्या बना, 9 10s बना. ठीक है, 9 10s आप लिखेंगे या 90 भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, 9 हमारे पास, अगर 10 के नोट हों तो हमारे पास 90 ही बनते हैं ना, तो हम 9 10s भी बता सकते हैं. मेरे पास 9 10 जो के नोट 10 9 है वो भी हम बता दिया, मैं कह सकती हूँ मेरे पास 90 रुपीज़ है. दोनों से आप कुछ भी लिख सकते हैं. 4 लास्ट वाला है, मीन्स 1, तो हम क्या लिखेंगे, 4 1s लिखें या जस्ट 4 आप लिख दें. ठीक है, जस्ट जैसे आपने 4 10s लिखना है या आर लिखा हुआ दरमियान में या 90 लिखना है, तो इसमें जैसे आप 4 लिख दें या 4 1s भी लिख दें, दोनों करेक्ट हैं. 1s 10s 100. 1 क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा. ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. और 1 क्या आप 20 लगाते हैं तो वो भी आपका वैसे ही था. ये आप खुद से करना. लास्ट वाला मैं आपको खुद से बता देती हूँ. 1, 10, 100, 1000 and 10,000. 4 क्या बन रहा है, फिर 10,000 बने, तो हम लिखेंगे 4 10,000 लिख सकते हैं आप. 7 आप लिख सकते हैं 40,000s. ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख लें, 40,000s भी लिखें तब भी ठीक है, और 4 10,000s लिखेंगे तो भी ठीक होगा. नेक्स्ट में आप देखें, आपने खुद से ये सोचना है. इसमें क्या है, एक आध मैं आपको करवा देती हूँ इसमें से, बाकी आपने खुद से सोचना है कैसे करना है. 2 डिजिट नंबर इज, सबसे छोटा जो 2 डिजिट वाला नंबर है वो 10 है, क्योंकि इससे पहले तो 9 आता है, वो 1 डिजिट वाला है. 3 डिजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट. 3 डिजिट के साथ ही जो फ़ौरन नेक्स्ट आ जाएगा वो 4 बन जाए, तो वो है 1000. तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कौन हुआ, 999. एक आपने खुद से सोचना है कि 4 डिजिट नंबर वाला स्मॉलेस्ट है क्या, उसके में क्या 1 हम ऐड करेंगे तो वो 5 वाला बन जाएगा. तो हमने 4 वाला खुद से लिखना है आपने. इसे ग्रेटेस्ट देखें, 2 डिजिट नंबर इज ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, सबसे बड़ा 2 डिजिट वाला. 9 तो 1 है ना, तो 2 जैसे ही 1 साथ है 10 बनेगा, तो 10 क्या बन जाएगा, 2 डिजिट वाला बन जाएगा ये. ठीक है, नेक्स्ट में 3 डिजिट नंबर इज, जो सबसे बड़े 3 डिजिट नंबर्स हैं वो कौन से हैं, वो आपके 999 है. आपके लिए आपके क्वेश्चन ट्रिकी रहेगा कि आपने 4 स्मॉलेस्ट वाला 4 डिजिट नंबर मुझे खुद से लिख के देना है. ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कल आपसे अगेन मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.